क्या वो आपके अंदर आग है जो दिल के अंदर छूटती है। अगर आपके दिल के अंदर आग है सपने पूरे करने के लिए, तो आप लोग लग जाइए, जग जाइए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसमें क्या कमी है देखिए, सुधार कीजिए। असफलता तब आती है जब आदमी के सामने सफलता दिखती हो। और एक बात याद रखना, सफलता मृग तृष्णा है, सफलता मृग तृष्णा है। अगर आपने उस सफलता के बराबर मेहनत नहीं की तो आपको वो मृग तृष्णा ही दिखेगी। क्योंकि दिखती तो है नजदीक, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो आगे चलती रहती है। उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। क्योंकि जब दिखती है नजदीक, अपन जाते उसके पास तो और आगे चलती है। जब उसके बराबर मेहनत नहीं करेंगे, जब उसके बराबर सपने पूरे करने के अपने, तो आप उसके बराबर मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपका सपना सपना रह जाएगा। सपने हमेशा आंख खोल के देखिए, बंद नींद में तो हर व्यक्ति देखता है। सपने आंख खोल के देखिए, नींद में तो हर व्यक्ति देखता है। और सपना ऐसा हो नींद को भी खत्म कर दे, नींद को भी खत्म कर दे, ऐसा सपना होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जिद है, वो जुनून है, अगर आपको ड्रीम अचीव करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे करना ही है, तो आप लग जाइए, जग जाइए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की नंबर वन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप छोटा क्यों सोचते हैं? बड़ा सोचिए। बड़ा सोचते हैं तब होता है जब आप उस काम के बराबर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। और याद रखना एक बात, असफलता आती है, असफलता उसी के सामने आती है जो बड़ा सपना देखता है, बड़ा सोचता है, बड़ा ड्रीम रखता है। असफलताओं से मत घबराना, क्योंकि असफलता आती जाएगी, चलती रहेगी। जब तक आप सफल ना हो, नींद चैन को त्याग दो तुम, क्योंकि नींद चैन त्यागे बिना सफलता नहीं मिलती। अगर सफल होना है तो जरूर मेहनत कीजिए उस काम के बराबर जिस काम से आपको सफलता मिले। कंपनी के डायरेक्टर आपके साथ हैं, कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर आपके साथ हैं, कंपनी के जितने भी अपलाइन वो आपके साथ हैं, और सीनियर अपलाई लाइनों के आपके साथ यूट्यूब चैनल है, वहां से सीखिए। जब तक सीखोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। जब सीख गए तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, अगर रास्ता ना भी मिला तो रास्ता खुद बना लेंगे। क्यों रास्ता खुद बना लेंगे? क्योंकि सफलता जब दिल के अंदर लगती है ना, जब आग लगती है सीने के अंदर, तो वो बुझती नहीं है। और सीने के अंदर आग लगने वाले हमेशा जिद्दी आदमी होते हैं। अगर माइंड में आग लगी है तो शाम के टाइम ठंडी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां अगर आग लगी है तो आपको वो काम करना है जिस काम से आपको सफलता मिले। और ध्यान रखना, आपके सामने रिजेक्शन 100% आएंगे, क्योंकि रिजेक्शन आएंगे तब आप सफल होंगे। अगर आपने रिजेक्शन को आते ही एक्सेप्ट कर लिया तो आपको सफलता कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं मिलने वाली। क्योंकि सफलता हमेशा मानती है कि आदमी कितना मजबूत है, अगर ऐसे ही दे दे तो उसको हजम भी नहीं होगा। भगवान भी देखता उसको ठोक ठोक के देता है, तब जाके वो मजबूत होता है। जब बंदा 1,00,000 रुपए के बराबर हो जाता है तो उसको 50% मिलता है, और बंदा 10% के लायक नहीं है, उसको 1,00,000 रुपए आ जाए तो क्या हजम होगा? नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों सफलता भी ये मांगती है। तो क्यों अभी तक आप मुरझाए हुए बैठे? लग जाइए,
आपके अंदर सुबह सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि मैं सफल होगा या नहीं होगा, मेरा क्या होगा, वैसे क्या होगा। अबे कुछ नहीं होने वाला। अगर ये सोचते रहे तो आपकी जिंदगी में आपको कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर जिद है, मैं वो इंसान हूं जो आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं, जो असंभव है, इस दुनिया में सब काम संभव है। हेलीकॉप्टर बनाया, क्या वो संभव दिखता था? जब बना रहे थे लोगों को नहीं लगता था कि ये होगा, लेकिन बंदों ने वो अंदर जिद पाल ली थी और दो भाइयों ने बनाकर आकाश में उड़ा दिया। जिद थी, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है और बुद्धिमान इंसान इतिहास रटता है। तो दोस्तों आप लग जाइए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, लग जाइए। बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके पास है, बहुत शानदार आपके पास प्लान है, बहुत शानदार कंपनी भी है आपके पास, तो क्यों आप बैठे हैं? लग जाइए, जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। प्रेम पूर्वक धन्यवाद।